जय श्री राम मित्रों, उम्मीद करता हूँ आप सभी अपने घर में बहुत आराम से, बहुत आनंददायक पूर्वक घर में विराजमान होंगे और इस पर्व नवरात्रा पर्व का आनंद ले रहे होंगे। और इसके साथ मित्रों, मैं ये भी बताना चाह रहा हूँ कि दशहरा आने वाला है और दशहरे के लिए आप तैयारी कर लें। ये बहुत बढ़िया मौका है अपने घर पर भगवान श्री राम की, हनुमान जी महाराज की पताका को आप लहराएं मित्रों। लेकिन मित्रों, आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत ही सिंपल आपको मैं आज बताने जा रहा हूँ, वो ये बताने जा रहा हूँ कि जो नवग्रह होते हैं उनके क्या मंत्र होते हैं, उस मंत्र का मैं उच्चारण करके आपको बताने जा रहा हूँ। और कोई बात नहीं, उच्चारण अगर कम ज़्यादा भी होता है, प्लस माइनस थोड़ा बहुत होता है, घबराएं नहीं, कभी भी इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान ना दें, क्योंकि भगवान भाव के भूखे होते हैं, उनको और कुछ भी चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। तो मित्रों, शुरू करते हैं। सोमवार के दिन कौन सा मंत्र जप करना चाहिए? सोमवार के जो मालिक होते हैं वो होते हैं भगवान चंद्रदेव। सोमवार भगवान चंद्रदेव का डे होता है, तो आपको सोमवार का, अगर आपको चंद्रदेव को प्रसन्न करना हो तो आप जाप कीजिए ओम सोम सोमाय नमः। इसी तरह अगर आपके 11वें घर में 4 नंबर राशि लिखी हो तो आप जाप कीजिए ओम सोम सोमाय नमः। मित्रों, अगर आपके 11वें घर में 1 नंबर राशि लिखी हुई हो तो आप जाप कीजिए मंगल देव का मंत्र ओम अंग अंगार काय नमः है। अगर आपके 11वें घर में 2 नंबर राशि लिखी हुई हो तो आप जाप कीजिए शुक्रदेव का मंत्र। मित्रों, 2 नंबर राशि लिखी हुई हो या 7 नंबर राशि लिखी हुई हो, दोनों का एक ही मंत्र आएगा ओम शुम शुक्राय नमः है। अब आ जाइए मित्रों, अगर आपके 11वें घर में 3 नंबर या 6 नंबर राशि लिखी हुई है तो आप मित्रों क्या करेंगे, आप करेंगे ओम बूम बुद्धाय नमः, बुद्ध देव का मंत्र का आप जाप करेंगे। मित्रों, 4 नंबर का ऑलरेडी मैं बता ही चुका हूँ। मित्रों, अब आ जाइए, अगर आपके 11वें घर में 5 नंबर लिखा हुआ हो तो 5 नंबर जो राशि होती है वो सिंह राशि है और उसके मालिक जो हैं वो हैं भगवान सूर्य देव, तो आपको ओम गृणी सूर्याय नमः है इस मंत्र का जाप करना चाहिए। मित्रों, अब मित्रों 6 नंबर का ऑलरेडी मैं बता ही चुका हूँ, 7 नंबर का ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। मित्रों, 8 नंबर का भी बता दूँ। मित्रों, किसी की कुंडली में 11वें नंबर पे 11वें घर में अगर 1 या 8 लिखा हुआ हो तो दोनों के मालिक मंगल देव हैं, तो उसको ओम अंग अंगार काय नमः है इस मंत्र का जाप करना चाहिए। मित्रों, अब आ जाइए मित्रों, आप थोड़ा सा और आगे बढ़े, हम 8 तक हम पहुंच चुके हैं, अब आते हैं हम 9 नंबर पे। किसी की कुंडली के 11वें घर में 9 नंबर या 12 नंबर राशि लिखी हुई है, इसका मतलब कि आपके जो इच्छा पूर्ति, मनोकामना पूर्ति देवता हैं वो हैं भगवान बृहस्पति, क्योंकि धनु और मीन इन दोनों राशियों के मालिक हैं भगवान बृहस्पति। आपको भगवान बृहस्पति की आराधना ज़्यादा ज़्यादा करनी चाहिए और बृहस्पति देव का जो मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः है, इस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। मित्रों, अब आ जाइए मित्रों, जो लास्ट में रह गया 10 और 11 नंबर, मित्रों इनको कौन भूल सकता है मित्रों, क्योंकि कलयुग के तो देव यही हैं, कलयुग के देव शनिदेव, जिनके कुंडली में 11वें घर में 10 या 11 लिखा हुआ है तो उनको भगवान शनि देव की आराधना करेंगे तो उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी होगी। मित्रों, अब मित्रों मैं आपको ये भी बता दूं कि 11 जो 11वां घर है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। मित्रों, 11वां घर मित्रों हमारे सोशल सर्किल का घर है, 11वां घर जो है ये हमारी डिज़ायर को पूरा करने वाला घर है, 11वां घर जो है ये हमारी मनोकामना को पूरी करने वाला है, क्योंकि हमारी बहुत सारी मनोकामनाएं होती है और हम दर दर भटकते हैं, हम हर जगह भटकते हैं, हम सारे उपाय करते हैं, वो इसीलिए करते हैं कि कैसे भी करके हमारी मनोकामना की पूर्ति हो जाए। मित्रों, तो मित्रों अगर जो मैं आपको उपाय बताया है, आप अपनी कुंडली निकालिए, कोई भी ऐप निकालिए, अपनी कुंडली निकालिए, या आपके अगर पुरानी कुंडली बनी हुई हो तो वो आप चार्ट निकालिए और उसमें देखिए 11वें नंबर का जो घर है, 11वें नंबर के घर में कौन सी राशि लिखी हुई है, उस राशि के जो देवता हैं उनका मंत्र जाप जो मैंने आपको बताया है ये आपको उस के वार से आपको शुरू करना है और 45 दिन तक कंटिन्यू करना है। मित्रों, अगर आप 45 दिन तक कंटिन्यू करेंगे तो आपकी लाइफ में बहुत ज़बरदस्त चेंजेस मिलेंगे और बहुत ज़बरदस्त आपको आनंद में आएगा। मित्रों, जय श्री राम। मित्रों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप और भी आपके कोई टॉपिक्स जिन पे आप वीडियो बनाना चाहते हैं एस्ट्रोलॉजी संबंधित या न्यूमरोलॉजी से या वास्तु से संबंधित, तो मुझे ज़रूर बताएं। आपका कोई प्रश्न हो तो कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। मित्रों, मैं हर कमेंट का जवाब जरूर देता हूं, आप जानते हैं थोड़ा डिले हो सकता है, 1 हफ्ते तक एटलीस्ट वेट कीजिए, 1 हफ्ते के अंदर अंदर मैं आपके हर प्रश्न का जवाब देता हूं। मित्रों, जय श्री राम।